जब भी हमने बात की एक सेंस ये तो आया कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं उन पर बुलिश हैं, और साथ ही अफोर्डेबल लग्जरी, ऐसे भी कई सारे स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो क्या कुछ समय के लिए अफोर्डेबल लग्जरी स्टॉक्स पर भी प्रेशर रह सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है। एक्चुअली वहां पे हमने हमारा थोड़ा थोड़ा वेट कम किया था, बिकॉज काफी रनअप हो गए थे, तो इसलिए हमने थोड़ा वेट कम किया था वहां पे। और एक्चुअली वी आर लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज नाउ कि जैसे जैसे हमें दिखे, क्योंकि आपने जैसे अभी ये पॉइंट आउट किया था कि शुरुआत में कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पिकअप हो रहा है थोड़ा थोड़ा एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर, आई मीन नैरोर इंडाइसेस, तो हमें तो यही लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी होती है जब बाजार एक फ्लैटिश ट्रेंड में चलता है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको कि यू ऐड टू योर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस, तो हम तो वही अपॉर्चुनिटी ढूंढे जा रहे हैं, और इसलिए हम वहां पे जैसे जैसे कंफर्ट आता है हम ऐड करते रहेंगे अपने स्टॉक्स को। बट एज आई टोल्ड यू कि जब काफी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे तब हमने थोड़ा मनी ऑफ द टेबल किया था, थोड़ा कैश आउट किया था, पर ऑलरेडी थोड़े थोड़े कम ऑफ हो गए। लेकिन ये जैसे आपने बोला अगले एक आध क्वार्टर मुझे लग रहा है कि थोड़ा देयर विल बी एन इशू, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे तो शेयर ऑफ वॉलेट थोड़ा कम हो जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए, तो इसलिए थोड़ा कॉशियस रहे तो बेटर है यहाँ पे। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा दिनशो, आपने एज अ हाउस हेलियोस ने एचडीएफसी बैंक को लॉन्गेस्ट टाइम एनालाइज किया है, उसका हाई ग्रोथ पीरियड, उसके बाद 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन, अभी 2-3 क्वार्टर से फिर टेक ऑफ कर रहा है एचडीएफसी बैंक, क्या नंबर्स आ रहे हैं। और मैंने उनके सीएफओ से बातचीत की, बहुत ही रेयर इंटरेक्शन, कभी टीवी पे आई नहीं, वो बोल रहे हैं कि 2.5 मिलियन नए लाइबिलिटी कस्टमर यानी सेविंग्स अकाउंट हर क्वार्टर ऐड कर रहे हैं, और जबरदस्त सारा फोकस मुझे समझ में आया ना वो ये था कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन मशीन पे, चाहे वो ब्रांच एक्सपैंड करके हो चाहे डिजिटल से हो, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन 50,000 करोड़ एक एक क्वार्टर में जमा कर रहे हैं, आपकी क्या राय है क्योंकि इस बार दिखाई दिया कि डिपॉजिट ग्रोथ कई बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ को लैग कर रही थी। जी बिल्कुल बराबर बोला आपने, एक्चुअली उनका प्रॉब्लम अलग ही है, उनका प्रॉब्लम ये है मतलब जैसे आपने बोला कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, और अभी एक्चुअली हमें तो यही लगा था और हमने बोला भी था काफी चैनलों पे कि अगला जो ग्रोथ आएगा बैंकिंग सेक्टर में, मतलब एज इन बैंकिंग इंडेक्स में, विल बी ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक, वो हम क्लियर थे, बिकॉज मर्जर के बाद अगर जो आप देखें तो जो यूनिक कस्टमर बेस उनका बढ़ता है वो फिनोमिनल, बिकॉज ओवरलैप तो बहुत ही कम है बिटवीन द टू, क्योंकि ये कभी इन्होंने होम लोन बेचा नहीं था और जो होम लोन कस्टमर थे कभी इन्होंने माइन किए नहीं थे एचडीएफसी के, तो जब ये मर्जर होगा उसके बाद तो ग्रोथ जो उनकी एसेट ग्रोथ होगी वो तो बिल्कुल ही फिनोमिनल होगी, तो बट उनको मैनेज करने के लिए यू हैव टू हैव अ लायबिलिटी में भी यू हैव टू हैव इनफ डिपॉजिट्स इन प्लेस टू मैनेज दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी फोकस डिपॉजिट पे है कि मर्जर के पहले आप डिपॉजिट्स रेन इन कर लीजिए, और जैसे आपने बोला कि यूनिक कस्टमर्स जो ऐड हो रहे हैं वो तो अभी शुरुआत है, बाद में इनकी माइनिंग चालू होती है तो वहां पे नए नए एंसिलरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वो उसके हिसाब से ग्रोथ विल बी फिनोमिनल फॉर दिस बैंक, और हम तो काफी गंगो है, वैल्यूएशन भी काफी अपीलिंग है ये इसका, क्योंकि एक जमाने में 3.5-4 के आसपास पहुंच गया था यहाँ पे प्राइस टू बुक, आज की तारीख में 2.3-2.4 टाइम्स है, तो विच इज क्वाइट अपीलिंग फॉर अस, और हमारा जो कम्फर्ट लेवल है हमारा लिमिट होता है 7.5 का टू बाय अ स्टॉक अप टू 7.5%, वो हमने इस केस में तो हमारा फुल हो गया है, और हम वेट करेंगे थोड़ा प्राइस चलता रहे यहाँ पे, सो दैट कोई बात नहीं।